महाराष्ट्र में शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर लंबे वक्त से चल रही तनातनी पर विराम लग गया। सत्ता के बाद अब उद्धव गुट को चुनाव चिन्ह से भी हाथ धोना पड़ा। बता दें, चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना मानते हुए पार्टी का नाम और प्रतीक चिन्ह तीर कमान दोनों ही शिंदे गुट को सौंप दिया, जिस पर अब उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे ने कटाक्ष कसा है और उद्धव ठाकरे के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए एक ऑडियो शेयर किया। ऑडियो में बाला साहेब ठाकरे का एक भाषण है जिसमें वो कहते सुनाई दे रहे हैं, पैसा आता है और जाता है, पैसा जाएगा तो वापस कमा लिया जाएगा, लेकिन एक बार नाम गया तो कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए नाम बड़ा करो, नाम ही सब कुछ है। वहीं इस ऑडियो को शेयर करते हुए मनसे के अध्यक्ष ने लिखा, बाला साहेब द्वारा दिया गया शिवसेना का विचार कितना सही था आज हम एक बार फिर जानते हैं। राज ठाकरे के इस हमले के बाद महाराष्ट्र में सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, बाला साहेब ठाकरे के विचारों पर चलने वाली शिवसेना मतलब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनको शिवसेना का नाम और चिन्ह धनुष बाण मिला है। अब असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम पहले दिन से ही आश्वस्त थे क्योंकि चुनाव आयोग के इसके पहले के भी निर्णय इसी प्रकार से आए, इसलिए यह हमें विश्वास था। वहीं दूसरी तरफ इस फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए संजय राउत ने कहा, इसकी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी, देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, जबकि कहा गया था कि नतीजा हमारे पक्ष में होगा। ऊपर से नीचे तक करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनता हमारे साथ है, लेकिन हम जनता के दरबार में नया चिन्ह लेकर जाएंगे और फिर से शिवसेना खड़ी करके दिखाएंगे, ये लोकतंत्र की हत्या है। संजय राउत के अलावा उद्धव ठाकरे ने भी चुनाव आयोग के इस फैसले की निंदा की और देश में लोकतंत्र खत्म होने की भी बात कही। किसके पास है ये तय होना तय उन्होंने किया तो ये अन्याय है, फिर इतने दिनों तक हमें क्यों ये सब एक्सरसाइज करवाया? पार्टी तो मेरे साथ है, आम जनता तो मेरे साथ है, और इसलिए मैंने कहा कि लगातार मैं चुनौती देते आया कि हिम्मत है तो सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ, चुनाव ले लो। चुनाव लेने की तो उनकी उनमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब ऐसे लग रहा है, हालांकि आज अपने महाराष्ट्र में दो उपचुनाव चल रहे हैं। मैं साधारण आपण असं मानतो की आचार संहिता असताना तिकडे कोणी काय करू नये, अगर वो कानून खुद निवडणूक आयोग ही तोड़ रहा है जिस राज्य में आचार संहिता जारी है उसी वक्त उन्होंने फैसला दिया है, तो अब ऐसे लगने लगा कि जिस जल्दबाजी में उन्होंने हमारा धनुष बाण और नाम उनको दे दिया है तो शायद अब आने वाले 2-3 महीने में वो इलेक्शन भी ले लेंगे। गौरतलब है कि इस फैसले से पहले 10 अक्टूबर 2022 को चुनाव आयोग ने ठाकरे गुट के लिए पार्टी के नाम के रूप में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और शिंदे गुट को नाम के रूप में बाला साहेबंची शिवसेना आवंटित किया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।